नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी में दोस्तों क्यों गिरावट हो रही है, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों आज के दिन देखा जाए तो मतलब एस्ट्रॉल से ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कंपनी में गिरावट देखने को मिली। वहीं पर अगर हम मार्केट के ओपनिंग के टाइम की बात करें तो दोनों में अपने को एस्ट्रॉल और डिक्सन में देखा जाए तो 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, एस्ट्रॉल की बात करें तो कुछ रिकवर भी किया, लेकिन डिक्सन की बात करें तो रिकवर नहीं किया। ऐसे में बहुत सारे स्टॉक, दोनों स्टॉक मत नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एस्ट्रॉल की बात करें तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई के करीब चल रही है। डिक्सन की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक इस कंपनी में ऑलरेडी फंसे भी हैं। बहुत सारे स्टॉक हो सकता है कि इन दोनों कंपनियों में से किसी में जो है कि बाइंग भी करने की बात कर रहे हो, जिससे रिलेटेड में बात। पहला स्टॉक हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी है। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो बनाया दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स जो एक वीडियो बनाया। ये कंपनी कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर का काम करती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। हालांकि दोस्तों मतलब बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। जितने भी आप फ़ोन यूज करते हैं या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं दोस्तों, इस कंपनी के क्लाइंट्स आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी जो कि 4300 के आसपास चलती है। प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, एक कंसोलिडेट आप कह सकते हैं, कुछ देर तक चलती है, उसके बाद एक गिरावट होने के बाद फिर जो है कि कंसोलिडेट ही कह सकते हैं। हालांकि तो देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि 4200 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। वहीं पर अगर हम 5 दिन की बात करेंगे दोस्तों, 5 दिन में स्टॉक 4% डाउन है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में कंपनी 9% का रिटर्न बना के दिया है। सबसे पहले दोस्तों इसी पॉइंट को नोट करना कि स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है। हालांकि गिरावट के पीछे का रीजन सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, कि जेफरीज की बात करते इस कंपनी के जो टारगेट प्राइस है उसको डाउनग्रेड किया है, जिसके कारण स्टॉक में जो है कि मतलब जो कि अपने को गिरावट देखने को मिली है। जेफरीज की बात करें तो इस कंपनी को जो है कि डाउनग्रेड किया, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखेंगे। हालांकि अगर हम वहीं पे जेफरीज की बात करें दोस्तों, तो उनका मानना जो है कि एक ही है जो कि इस कंपनी का वैल्यूएशन देखा जा रहा है। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी ने लगभग 2 महीने में 55% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर एस्टिमेटेड की बात करें जो कि पी कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली उनका क्या मानना है, लगभग 60x मतलब जो कि देखा है, तो इस समय कंपनी भी देखा है तो 100 के पी पे ट्रेड भी हो रही है। हालांकि वहीं पे हिस्टोरिकल डेटा जो कि देखा है, तो हालांकि देखिए ये सारे जो है कि इफ वट वाली कंडीशन है, मतलब अगर ऐसा हुआ तो होता है, ऐसा नहीं दोस्तों। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो मानना है, लगभग इन्होंने इस कंपनी का जो डाउनग्रेड किया है, जो कि होल्ड की सलाह तो दी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 4550 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, जो कि करंट प्राइस से सिर्फ 5% देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ मतलब डिक्सन इज़ ए B2B कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर, जो कि ऑर्डर बुक है कंपनी का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस की बात करें जो कि EMS यहाँ पे प्लेयर इस लार्जली मतलब देखा है तो इन्फ्लुएंस बाय द सेल बजट की बात करें, जो कि ब्रांड कुछ ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रेजेंट वीकनेस इन डोमेस्टिक डिमांड, जो कि इस समय डिमांड अपने को वीकनेस देखने को मिल रही है। ऐसे में आप देख भी सकते हैं लाइक मोबाइल LED TV जो कि एंड एप्लीकेशन। हालांकि दोस्तों ये कंपनी हमने क्या बताया कि जो आपके हाथ में मोबाइल है, आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यूज करते हैं, जो कि देखा है तो इसी कंपनी के क्लाइंट्स मानना है दोस्तों कि आल्सो ग्लोबल स्मार्टफोन ऑफटेक हैज़ बीन वीक सिंस लास्ट ईयर, जो कि 2023 से 26 के बीच में जो कि फोरकास्ट की बात करें CGR लगभग 29% के दर से जो है कि मतलब हो सकता है कि सेल्स देखने को मिल सकता है। हालांकि मोबाइल की बात करें 27% के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे दोस्तों, तो आफ्टर द शार्प रैली जो कि डिक्सन नाउ ट्रेड हायर देन ब्रांड B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जो कि कंप्लेंस सच एस क्रॉम्पटन ग्रीवियस इस समय देखा है तो दोस्तों क्या पोजीशन है आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक की वीगार्ड की बात करें, पॉलीकैप देखा है तो इस समय हाई पे चल रहा है। वेयरपूल की क्या पोजीशन है, मतलब देख सकते दोस्तों कुछ ही ऐसे स्टॉक है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पर ताइवान की भी बात करें तो देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ों को ये देख करके फिर जो है कि डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी की बात करें तो हालांकि देखिए जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो हालांकि रिसेंट में हमने वीडियो भी बनाया था, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इनके जो मैनेजमेंट है दोस्तों, 2027 तक उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ का जो कि रेवेन्यू बताया था, जो कि देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल अभी तक कुछ इतना खास कह नहीं सकते। हालांकि सारा कुछ आपको जो है कि हरे निशान में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम कंपनी के एस्टिमेशन की बात करें तो कंपनी ने 3 क्वार्टर से बीट नहीं किया था, जो कि प्राइस कहाँ पर था, लगभग 3600 रुपये, 3500 के आसपास भी आई थी कंपनी। उसके बाद देखा जाए दोस्तों मतलब 2600 रुपये भी आप कह सकते हैं कि कंपनी आई थी, उसके बाद देखा है तो कंपनी का जो कि एस्टिमेशन भी बीट किया। हालांकि अभी कंपनी का चार्ट भी आप देखते हैं, कंपनी एकदम टॉप पे तो नहीं कह सकते, फिर भी देखा जाए
तो मतलब एक साल में कंपनी ने 15% का रिटर्न बना के दिया, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं। यहाँ पे ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी, उस टाइम पे भी हमने वीडियो बनाया था, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों उनको मालूम भी है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में कंपनी ने आज भी 650% का रिटर्न बना के दिया। जो रिटेल सोच रहे कि हम फंस गए दोस्तों, तो इस पॉइंट को नोट नहीं करते, मतलब क्या है कंपनी आज भी 650% का रिटर्न बना के दे रही। इस पॉइंट को भी चाहो तो नोट करके चल सकते हो। वहीं पर अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने 690% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की चाल भी आप कहेंगे तो इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब तेजी आएगी दोस्तों, ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप अगर इसकी तेजी को भी कैलकुलेट करेंगे तो हम अगर 5 साल के चार्ट में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 50% का, मतलब ये जो भी तेजी आपको देखने को मिल रही लगभग 50% के आसपास ही आप कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एग्जिट अगर हम कैलकुलेट करेंगे 30-40% का आपको हर तेजी देखने को मिलेगा। वही भी जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, न कि शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आज भी कंपनी लगभग 650-650% का रिटर्न भी बना के दिया है। गिरावट होती तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 3500, वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी 4500 के आसपास जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा एस्ट्रॉल है। एस्ट्रॉल की बात करें तो क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है? देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है, लेकिन रिसेंट में हमने वीडियो बनाया दोस्तों कि ये कंपनी अगर 7-8% और भी भाग जाती तो इस कंपनी के MSCI इंडेक्स में मतलब इंक्लूड होने के कुछ चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आप अगर इस कंपनी के एक साल के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 50% का रिटर्न बना के दिया है, और इसी में कंपनी ने जो है कि कॉर्पोरेट एक्शन भी किया था, मतलब 2 शेयर पे 1 शेयर का जो है कंपनी ने बोनस भी अलॉटमेंट किया। हालांकि दोस्तों इसमें जो कि मतलब कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कि न्यूज़ देखने को मिले, जो कि ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास नहीं, किसी ने मतलब शेयर सेल किया तो कितना 90,000-92,000 दोस्तों शेयर सेल कर दिया, तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस है देखा जाए तो एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, 1923 रुपये के आसपास कंपनी का जो कि प्रीवियस क्लोजिंग है दोस्तों। ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, और जो कि गिरावट इतना कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गिरावट तो जरूर हुआ है। हालांकि आज के दिन 3% कंपनी डाउन हुई। वहीं पे एक महीने की बात करें तो 1 महीने में भी कंपनी डाउन है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 21% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ा खास बात क्या है दोस्तों, कि यहाँ से यहाँ तक कंपनी रिटर्न बना के एक कंसोलिडेट कर रही थी, उसके बाद देखा है तो गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी के रिजल्ट मतलब अब क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, तो इस पॉइंट से देखा है तो हो सकता है किसी ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया हो। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो लगभग 50-55% के आसपास आप कह सकते हैं कि एग्जिट कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ये सेक्टर का लीडर है दोस्तों, तो इस हिसाब से देखा है तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों के रिजल्ट कैसे आए दोस्तों, उससे तो बेटर देन है, और कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है। और एस्टिमेशन की बात करें तो कंपनी ने इसको भी BT किया था। हालांकि दोस्तों जो रिटेस्टर सोच रहे हैं कि स्टॉल में हमने बाइंग किया और फंस गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। इस कंपनी के भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आज भी जो है कंपनी 50,000% का रिटर्न बना के दिया, और कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रही है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 2024 रुपये का कंपनी का ऑल टाइम हाई कहिए, चाहे जो भी ये कंपनी रिसेंट में कॉर्पोरेट एक्शन किया था उसको कैलकुलेट करिए, जो कि देखा है। लेकिन दोस्तों ये 1200 रुपये की बात करें तो 1300 के आसपास शायद ये कंपनी आई हुई थी, हालांकि ये आप एग्जिस्टेड प्राइस भी कह सकते हैं। वहीं पर अगर इस कंपनी में गिरावट होती है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि 1500 के आसपास आ सकती है। हालांकि वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी 2000 के ऊपर ही ट्रेड करेगी। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, तो कोई भी नहीं, दोनों कंपनियों की बात करें तो दोनों सेक्टर का लीडर है। आप दोनों कंपनियों को बिंदास होल्ड करके चलिए, कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं। हाँ, न्यूज़ की बात करें शॉर्ट टाइम में कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। अच्छे दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।